हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ मेरे इस खूबसूरत गार्डन की तरह आप लोग भी स्वस्थ और अच्छे होंगे। ये देखिए तो एकदम हरे भरे हो जाते हैं बारिश के बाद सारे पौधे। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का मैं दिखाऊंगी वीडियो में आप लोगों को कि मेरे पास कितने वैरायटी के गुलाब है, और बात करूंगी आज थोड़ा गुलाब की वैरायटी को लेके, और दिखाऊंगी कि आज मेरे पास कितने सारे गुलाब की वैरायटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है व्हाइट एवलेंज। तो दोस्तों, पॉट कल्चर में हम लोग जो गुलाब करते हैं नॉर्मली वो ग्राफ्टेड रोज होता है। ग्राफ्टेड पॉइंट, देखिए ये पॉइंट होता है ग्राफ्टिंग पॉइंट, और इसके नीचे जो जाता है वो जंगली रहता है, जो रूट को जूट रूट रहता है, और ऊपर जो भी पौधा आप देख रहे हैं वो ग्राफ्टिंग करके उसके ऊपर ये पौधा रेडी किया जाता है। और हम लोग यही पौधा नॉर्मली करते हैं। मेरे घर में सारे ग्राफ्टिंग पौधे ही है। तो ग्राफ्टेड जो पौधा होता है उसका वैरायटीज में पहला पड़ता है एचटी रोज, हाइब्रिड टी रोज कहते हैं उसको। उसके बाद डच रोज, उसके बाद डीए मतलब डेविड ऑस्टिन रोज, और फिर मिनिएचर, फ्लोरिबंडा, ग्लैंडिफोरा, ये सब वैरायटी के आपको रोज का ये इतने सारे गुलाब का वैरायटीज आपको मिल जाएंगे। मेरे घर में सारे वैरायटीज के पौधे आपको मिलेंगे। मेरा जो पर्सनल जो मुझे पसंद है वो है डच रोज। डच रोज के भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज होते हैं। तो मैक्सिमम मेरे घर पे है डच रोज, उसके बाद एचटी भी है, डीए भी है, और फ्लोरिबंडा भी है, और मिनिएचर भी है। मिनिएचर भी एक उसमें एक वैरायटी है, मिनिएचर भी है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को डच रोज, ठीक है। तो ये देखिए डच रोज का जो वैरायटीज होते हैं, ये देखिए ये है सोलारी, ये डच रोज है। डच रोज के पत्ते देखिए, इसके सोलारी के इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और इसमें कांटा बहुत कम रहता है। देखिए इसमें कांटा बिल्कुल नहीं है। स्टेम दिख रहा है आपको, ये ऊपर से स्टेम दिखाती हूँ। जो आप मार्केट में फ्लावर खरीदते हो, जो मार्केट में फ्लावर गुलाब के आप फ्लावर बुके बनाते हो, फ्लावर बेचते हैं, नॉर्मली वो डच रोजी होता है। तो ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पेटल पाया जाता है। ये देखिए सोलारी है, ये मैं दिखाती हूँ। ये है स्वीट एवलेंज, ये देखिए। ये विंटर में ये फ्लावर इससे बहुत ज्यादा बड़ा फूल होता है। विंटर में ये फूल और भी बड़ा होता है, और इसका पेटल देख रहे हैं आप कितने सारे, 50 के ऊपर इसमें पेटल होता है। एकदम टाइट फ्लावर होता है ये, कम से कम 20-21 दिन तक फ्लावर सूखता नहीं है, फ्लावर एज इट इज ऐसा ही रहता है। ये सब फ्लावर का जब ओपनिंग होता है, जब देखिए ऐसा ओपनिंग होता है, बहुत धीरे 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 ये फ्लावर का ओपनिंग होता है। तो ये फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है डच रोज। देखिए इतने सारे फूल है, अभी इस टाइम ज़्यादा स्टे नहीं करता है, ये भी एक हफ्ता स्टे करता है इसी टाइम, बारिश के टाइम। लेकिन विंटर में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तब ये फूल बहुत धीरे धीरे ओपन होता है। देखिए बहुत धीरे धीरे ये ओपनिंग इसका होता है, और ये बहुत 20-21 दिन तक ये फूल ऐसे ही रहता है, सूखता नहीं है, इसको काटना पड़ता है, ये इसका पेटल झड़ता नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। जो पेटल इसका खोल के ये झड़ता नहीं है, ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा। फिर जब धीरे धीरे अपने ही पेड़ के ऊपर सूख जाता है तब इसको काटना पड़ता है।
तो ये होता है डच रोज की खूबसूरती। ये देखिए कितने सारे, अभी मेरा जो स्वीट एवलेंज है कितना सारा स्वीट एवलेंज हुआ है। कलर इसका इतना प्यारा है ना, विंटर में कलर और खिल के आता है, और खिल के आता है। अभी तो कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, धूप हो जाता है, तो फ्लावर थोड़ा फेड हो जाता है, लेकिन विंटर में कलर इतना खूबसूरत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक और दिखाती हूँ डच, अब डच अभी कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, डच मेरे पास बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये है व्हाइट एवलेंज। अभी इसका एक ग्रीनिश दिख रहा है आपको, ग्रीनिश, ये ग्रीन एक अंदर से शेड आता है, ये इस तरह का फूल होता है। देखिए और दिखाती हूँ, ये अभी इस टाइम जैसा खिल रहा है, ये जब विंटर आएगा इसका कई गुना साइज बढ़ जाता है। ये देखिए अंदर में एक ग्रीन शेड है और ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट एवलेंज। ये एवलेंज का ही है, स्वीट एवलेंज। ये देखिए पूरा स्टेम में काटा नहीं, बहुत कम काटे होते हैं, नीचे की तरफ काटे होते हैं। देखिए और इस तरह का ये फूल होता है। इसके बाद है पीच एवलेंज। ये देखिए ये पीच कलर का होता है, इसमें भी खूब सारा पटल होता है और ये फूल भी काफी टाइम तक रहता है, पीच एवलेंज। अभी देखिए जुमेलिया, जुमेलिया बहुत खूबसूरत फूल होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मेरे घर जुमेलिया, आपको दो दो पौधे हैं मेरे पास जुमेलिया का। ये बर्ड आपको दिख रहा है कितना सुंदर पिंक शेड में है, और नीचे अभी इसका अंदर व्हाइट दिख रहा है, लेकिन ये विंटर आते ही इसका कलर और डार्क हो जाता है, बहुत सुंदर इसका शेड आता है। यह है जुमेलिया। ये पिंक कलर का फूल दिख रहा है दोस्तों, इसका नाम है वहम। ये भी बहुत सारा खिलता है, देखिए ये भी डच रोज है और इसका स्टेम भी ऐसा, देखिए ये एकदम पत्ता देख सकते हैं। डच रोज का यही खास बात है, पत्ते बहुत सुंदर होते हैं और कांटा नहीं होता है, फ्लावर बहुत दिनों तक स्टे करता है। और गार्डन में इतना, एक गुलाब अगर 20 दिन तक गार्डन में आपको खिला रहेगा तो सोचिए गार्डन कितना खूबसूरत हो जाता है। तो और भी डच रोज है, दिखाती हूँ आयरन मैजिक। अभी फूल इसका अच्छा नहीं खिला है, छोटा छोटा है इसका कली। यह है आयरन मैजिक, ये भी ऑरेंज और येलो शेड में आता है, ऊपर ऊपर है इसका सारे पौधे आए, वो भी डच है। ये है मूनस्टोन, ये है ब्लश, ये माहिराज है, ये भी मूनस्टोन है, ये टिनी के है, ये नारंगा है, और इधर रॉकस्टार है और टॉप सीक्रेट है, और इधर है ला पार्ला, और ये डबल डिलाइट। डबल डिलाइट तो डच नहीं है, ये एचडी वैरायटी के है, ये है ला पार्ला। तो इतने सारे अभी मैंने गार्डन में ऐड किया है, नए नए जो डच रोज है। और नेक्स्ट अभी विंटर में आपको इसका भी फ्लावर मिल जाएगा दिखने को। तो चलिए और दिखाती हूँ सोवेरियन, इसका कलर देखिए इसका है, ये है सोवेरियन, यह है एक्सीलेंस, ये देखिए रेड कलर का। ये सब डच है। ये है कन्याश्री, इतना ही सारे मैंने अपना डच वैरायटी दिखा दिया है। और अभी बात करूंगी मैं एचडी की। एचडी में क्या होता है, उसका फ्लावर भी बड़ा बड़ा साइज का होता है, फ्लावर भी बहुत दिनों तक स्टे करता है, लेकिन उसमें कांटा होता है,
इसमें कांटे बहुत सारे होते हैं, तो इसमें एक है ये देखिए, ये वाला ये जो दिख रहा है ये है बहुरूपी। ये बहुत अच्छा एक फ्लावर है, एग्जीबिशन वैरायटी का फ्लावर है। ये जितने भी डच रोज मैंने दिखा है सारे एग्जीबिशन वैरायटी के रोज होते हैं, और मैं कहाँ से लेती हूँ वो चीज़ के बारे में भी बताऊँगी। तो ये जो है बहुरूपी, इसका कलर, ये विंटर में सारे जो दिख रहा है आपको फूल, विंटर में जाके ये और भी साइज में बढ़ जाता है और फ्लावर का कलर भी और अच्छा इन्हेंस होता है, क्योंकि अभी धूप गर्मी ये सब टेम्परेचर अप डाउन, इसमें फ्लावर थोड़ा सा फेड हो जाता है। तो ये है बहुरूपी। पार्ट इस फरा, ये भी बहुत अच्छे कलर है, HT में इम्पार्टिस फरा है। ये है मेरे पास, जिसका वो मेरे नाम नहीं पता, टैग नहीं था उसमें। ये देखिए एक रेड फ्लावर, ये जो मारिया शिवर है ये फ्लोरीवंडा में आता है। फ्लोरीवंडा का मतलब है बहुत सारा एक साथ फूल आता है। ये इसमें खुशबू है, इसमें फ्रेग्रेंस, ये रोज है, इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। ये देखिए बारिश में थोड़ा सा ये हो गया है, तो चलिए और दिखाती हूँ। ये है अवंत ग्रेट, इसका फेडेड कलर आता है, ये भी फ्लोरीवंडा में ही पड़ता है, मिनिएचर वैरायटी का है। इधर एक मिनिएचर है और इधर एक मिनिएचर है। दोस्तों काफ़ी सारे पौधे में अभी फूल नहीं है, तो मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए HT में एक है पौधा लव, इसमें अभी फूल नहीं आया है, ये लव है। और ये भी आता है एक ग्लैंडी फ्लोरा में, जो बहुत सारा छोटे 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 फूल आता है, ये एक है। ये देखिए एक आबड़ा का डाबड़ा, प्रेसिडेंट प्रणव, ये HT में आता है। HT का देख रहे हैं इतना सारा कांटे दिखता है, ये बहुत सारे कांटे वाला है, लेकिन फूल बहुत बड़ा होता है, फूल भी स्टे करता है, अच्छा लगता है। ये जो सारे आपको गुलाब दिख रहे हैं ये बिना आईडी के हैं, ये मैं यहाँ लोकल नर्सरी से खरीदी हूँ। ये वाला जो मुझे कभी कभी अच्छा लग जाता है, बिना आईडी के भी फूल अच्छा लग जाए तो दिख के खरीद लेती हूँ मैं। सारे ग्राफ्टेड रोज है मेरे पास। और अच्छा जो आपको आईडी वाला दिखा वो मैं ऑनलाइन परचेज की हूँ, क्योंकि हम लोग सिंगरौली MP में रहते हैं और यहाँ पे इतने आईडी वाले गुलाब हम लोगों को मिलता नहीं है, तो इसलिए हमको ऑनलाइन परचेज करना पड़ता है। ऑनलाइन परचेज करने के बाद पौधा किस तरह से पौधा आता है, पौधे को आप उसको पॉटिंग करते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं वहाँ आप लोगों का लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं कि ऑनलाइन पौधा आने के बाद किस तरह से मैं सेंडर में उसको ग्रो करती हूँ, उसके बाद क्या फीडिंग चलता है, वो सब भी मेरे सारे वीडियोस है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, मैंने मैक्सिमम मेरे जो 2 साल के पौधे हैं, ये जो दिख रहा है ये सामने, ये 2.5 साल के पौधे हैं, ये मैंने पुष्पांजलि प्रणवीर से खरीदा है। पुष्पांजलि प्रणवीर मतलब इंडिया के बहुत अच्छे एक रोज नर्सरी है, जो जहाँ पे ये लोग बहुत टाइप के, बहुत वैरायटी के पौधे रोज के करते हैं, ग्राफ्टिंग जो पौधा मिलता है ये मिलता है। ऑनलाइन साइट है, जाके देख सकते हैं और आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। पौधे का क्वालिटी बहुत अच्छा आता है, पौधा बहुत अच्छा मिलता है, कोई जाके भी ले सकते हैं, अगर मेरी तरह नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अभी टाइम है, अभी इस बारिश में आप लोग खरीद सकते हैं। इस बार विंटर में मुझे यहाँ से मैं जो चाहती थी, मेरा जो जितना भी वैरायटी का मुझे खरीदना था वो मुझे इस बार प्रणवीर से नहीं मिला, पुष्पांजलि प्रणवीर से, तो मैंने दूसरे नर्सरी पुष्पांजलि बरेली से लिया। पुष्पांजलि बरेली से खरीदा। देखिए बरेली से मैंने ये खरीदा है, इम्पार्टिस फारा खरीदे है। ये लगर फील्ड है, ये भी HT का है।
वहाँ मैंने लव दिखाया था, लव खरीदा है, ये मैंने एक्सीलेंस खरीदा है, और यही 4-5 पौधा मैंने वहाँ से खरीदा है, तो ये है। लेकिन पुष्पांजलि प्रणवीर में अभी भी अगर मेरा चॉइस का वैरायटी मिल जाता है तो मैं वही से खरीदूंगी, क्योंकि उन लोगों का पौधा की क्वालिटी अच्छा रहता है। अभी मैंने रिसेंटली मार्च में मैंने कुछ पौधा खरीदा है, जो कि मैंने लक्ष्मी नर्सरी वो कोलकाता से मैंने खरीदा है। मैं उसका चैनल, मैं जो वीडियो की हूँ इसका खरीद, जब मेरा पौधा आया था उस समय का, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। तो ये भी पौधा देखिए बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर रहा है। ये जो नीचे का आपको दिख रहा है, ये 10 पौधा मैंने खरीदा था, मुझे ये सारे पौधे मेरे गार्डन में ऐड करना था, जो कि मुझे यहाँ लोकल नर्सरी में तो मिलता नहीं, तो मैंने खरीद के, ऑनलाइन खरीद के अभी मैंने सेकेंड पॉटिंग भी कर दिया। पहले छोटे गमले में था, अभी मैंने दूसरे बड़े गमले में इसको कर दिया है। तो इस तरह से मैं पौधा कलेक्ट करती हूँ, पौधा खरीदती हूँ। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, मेरे पास वही 65 से लेके 70 तक मेरे पास पौधा है, और मेरे पास डीए रोज भी है, जो डेविड ऑस्टिन मैंने बोला है, वो मेरे लॉन में है, मैंने नीचे जमीन पे लगाया है। चलिए वो भी दिखा देती हूँ। वो डेविड ऑस्टिन रोज क्या होता है, थोड़ा क्लाइंबर टाइप का होता है, तो ये पॉट में अच्छा होता नहीं है, और जमीन पे अगर लगाएंगे तो डेविड ऑस्टिन रोज बहुत अच्छे से लंबा होता है, ग्रो करता है। चलिए उसको भी मैं दिखाती हूँ। तो मेरे लॉन के चारों कॉर्नर में मैंने 4 डेविड ऑस्टिन लगाया है, देखिए यहाँ पे, ये भी बहुत गुच्छे में फ्लावर देता है, ये ऐसे अभी तो छोटा छोटा ही आ रहा है, देखिए ये एक साथ गुच्छे में बहुत सारे फूल खिलता है, ये है, ये देखिए अभी इसका इतने सारे बडिंग हो गया है, अभी बारिश का पानी पड़ते ही। इसका खास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा अभी मैंने मेडिसिन डाला है, फंगीसाइड डाला है, इसमें अभी फूल नहीं है। और इधर का देखिए, ये देखिए, ये एकदम गुच्छे में फूल आएगा अभी, एकदम भर भर कर, क्योंकि विंटर में, और विंटर के टाइम ये और अच्छे से एकदम फूलों से भर जाता है। अभी तो गर्मी के बाद जस्ट स्ट्रेस से उठा है, ये देखिए जमीन पे लगाया है मैंने, ये है मेरा डेविड ऑस्टिन, ये बहुत लंबा हो गया था तो मैंने ऊपर का थोड़ा सा काट लिया है। तो ये है दोस्तों आज का मेरा वैरायटी, मैंने दिखा दिया, देखिए ये देखिए कैसे गुच्छे में आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जो भी जानकारी चाहिए कॉमेंट करके पूछिए। तो वीडियो आज यहीं पर एंड करती हूँ। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।